Hey guys, what is up? कैसे हैं आप सब? थोड़े से नॉइस के लिए I'm so sorry. सामने है आज हमारे टिगोर. जी हाँ, ये टियागो नहीं है, टिगोर है. ठीक है, ये है टिगोर का XZ प्लस वेरियंट. देख सकते हैं आप टिगोर में और टियागो में क्या फर्क है. मैं आपको पहले फर्क दिखा देता हूँ. सिर्फ ये फर्क है बूट स्पेस का और कुछ भी नहीं है. छोटे मोटे जो भी इसके अंदर जो भी डिफरेंसेस होंगे वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा. यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट से. फ्रंट में भाई वही जैसी टियागो आती है, सेम ग्रिल. आपको जो फेसिया है इसका वो बिल्कुल टियागो वाला ही मिलेगा, एकदम वैसा का वैसा. और ये जो कलर टाटा ने नया लॉन्च किया है टियागो और टिगोर के लिए, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है. बात कर लेते हैं इसके साइड की. तो साइड में यहाँ पे देखिए आपको प्रोजेक्टर्स मिलने लग जाते हैं, साइड में रिफ्लेक्टर मिलता है, दोनों के दोनों हेलोजन में आपको मिलते हैं. यहीं पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, नीचे आपको फोग लैंप्स और DRL दोनों के दोनों यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं. यहाँ की जब हम बात करते हैं तो ये इसके नीचे की ग्रिल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में. और जब हम बात करते हैं साइड की यहाँ पे, तो सेम एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं. क्रोम आपको पूरी यहाँ से एकदम एंड तक वहां तक दी हुई है, जो एक स्माइल सा लुक दे देते हैं, एक स्माइली सा लुक देते हैं इस गाड़ी को. जब बात करते हैं इसके बम्पर की, बहुत ही कर्वी सा एजी सा इसका बम्पर दिया हुआ है, जो पूरा एक आपको स्पोर्ट्स कार वाला फील देता है. इसका हुड बहुत ज्यादा एजी बनाया हुआ है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा शानदार लगता है. साइड से मैं आपको इस गाड़ी की अगर दिखाऊं तो इसकी लेंथ अच्छी खासी यहाँ पे टाटा ने रखी हुई है. साइड में सबसे पहले हाईलाइट होते हैं इसके अलॉयज की. मैं साइज अगर आपको बता दूं तो इसकी साइज है 175/60 R15, वही जो आपको टियागो टॉप एंड में मिलती है. दो ही टायर साइज आपको टिगोर टॉप एंड में भी मिलने लग रही है. दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये डायमंड कट अलॉयज. बात कर लेते हैं इसके साइड मिरर्स की. साइड मिरर्स आपको ऑटो फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों मिल जाते हैं. RVM के ऊपर ही आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है. यहाँ पे आपको पूरी क्रोम की पट्टी जो है वो पीछे तक दी हुई है. यहाँ पे डोर हैंडल्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे ये क्रोम दी हुई है. ये यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है एंट्री के लिए. बात आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर कीलेस एंट्री है और स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी, पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है. विंडो एरिया इसका ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. लेकिन टियागो और इसमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ये जो मेजर डिफरेंस है वो है एक हैचबैक और सेडान का. टिगोर एक सेडान कार है, तो इसकी ड्राइविंग जो है वो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. इसके सस्पेंशंस उससे बहुत अलग हैं, इसके सस्पेंशंस उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बैक की. तो इसके बैक में जब आप देखेंगे तो इसकी जो बैक लाइट्स हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं. पीछे आपको टाटा का लोगो दिया हुआ है, टाटा के लोगो के नीचे ये क्रोम की पट्टी दी हुई है, इस क्रोम के अंदर ही आपको कैमरा मिल जाता है. पीछे टिगोर की बैचिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है. और यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते इस गाड़ी के अंदर, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ आप उनको लगवा जरूर सकते हैं एज एन एसेसरी. आप किसी भी शोरूम में जाके बोल सकते हैं और वो आपको इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको लगा के जरूर दे देंगे. यहाँ पे आपको डिफोगर दिया जाता है, आपको वाइपर आपको पीछे नहीं मिलता है. ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है जो कि टियागो के अंदर आपको नहीं मिलता है. यही सब कुछ था इसकी बैक प्रोफाइल. बात कर लेते हैं इसके साइड की. तो इस साइड आपको 35 लीटर्स का पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर मिलता है. तो 35 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है और पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर आपका अवेलेबल हो जाता है. और ये गाड़ी CNG में भी अवेलेबल है. डीजल का ऑप्शन आपको इस कार में कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलता है. पहले ये गाड़ी डीजल में भी आती थी लेकिन टाटा ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है और ये गाड़ी अब सिर्फ पेट्रोल और CNG दो वेरियंट्स के अंदर ही आती है. चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर कि देखने में वो कैसा लगता है. अंदर जाने से पहले की बात कर लेते हैं. तो आपको यही रिमोट की मिलती है जो आपको टॉप एंड्स के अंदर हर एक गाड़ी में मिलती है. तो
ये लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प्स और बूट रिलीज का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोर ट्रिम की। डोर ट्रिम के अंदर आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया हुआ है। टियागो टॉप एंड के अंदर आपको सॉफ्ट टच कहीं पे भी नहीं दिया हुआ आता है, लेकिन टिगोर के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल बंद करने के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन आपके पास मिरर्स के लिए। यहाँ पे चारों गेट्स लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए आपको दिया हुआ है। नीचे बोतल वगैरह रखने के लिए आपको डीसेंट से स्पेस मिल जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है। बैठते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको इसके अंदर का इंटीरियर कि दिखने में भाई ये है कैसा। तो अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर स्पेस मिल जाता है। टियागो टिगोर फ्रंट सीट से अगर हम उनको देखें तो देखने में सेम लगती हैं, एकदम सेम लगती हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती हैं। आपको फील नहीं होगा कि आप एक हैचबैक के अंदर बैठे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये इसका जो स्टेयरिंग है, इसके अंदर ये आपके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको बीप हॉर्न्स के आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, दोनों साइड आपको हॉर्न्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, बीच में आपको टाटा का लोगो, नीचे थोड़ा सा ग्लोस के अंदर, और फिर ये डी कट स्टेयरिंग आपको मिलता है। और ये जो स्टेयरिंग है वो लेदर रैप नहीं आता है, आप चाहें तो बाहर से करवा सकते हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं और आप ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल, हर एक चीज इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जब आप साइड देखेंगे तो वहां आपको इसकी फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल कितना है, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद बीच में जब आप देखेंगे तो आपको स्पीडोमीटर, उसके बाद बैटरी, इंजन, चेक लाइट वगैरह सब कुछ। फ्रंट सीट्स के लिए आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर गाड़ी का टेम्परेचर और इस साइड में गाड़ी के आरपीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन गाड़ी के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाती है। बीच में जब हम बात करते हैं तो ये है हार्मन का 7 inches टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो साउंड क्वालिटी ये गाड़ी निकाल के देती है, इसके अंदर 4 speakers और 4 tweeters का सेटअप आता है विद हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और क्लासी लगता है। यहाँ पे बूट रिलीज का ऑप्शन है, लॉक अनलॉक का, और ये फॉग लैंप्स के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे एसी यूनिट्स, मतलब और ये एसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे बीच में आपको कोई डिस्प्ले नहीं दी हुई है, ऊपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले दी हुई है इसी हार्मन के स्क्रीन में। तो जैसे जितने भी आपको जितने भी कंट्रोल्स है क्लाइमेट के, सब कुछ आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे भी हैं। ठीक है, इसके नीचे जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये एसी आती है। यहाँ पे नीचे कुछ छोटा सा स्पेस, यहाँ पे आपको सॉकेट दिया हुआ है 12 वॉट का, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हैं अपना फोन और लैपटॉप। यहाँ पे आपको यूएसबी लगाने के लिए दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी इनपुट करने के लिए। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, ये गाड़ी ऑटोमेटिक में भी आती है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। सीट्स की क्वालिटी इसमें सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। टाटा अपनी सीट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी रखता है हमेशा से ही, और इसके अंदर भी उस चीज को टाटा ने बरकरार रखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा अच्छी सीट्स हैं, आपको थकान फील नहीं होगी। अगर आपको लॉन्ग रूट पे भी जाना है तब भी आपको इस गाड़ी के अंदर कोई भी थकान फील होने वाली नहीं है। बात करते हैं उस डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल और ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ऊपर गेट ओपन करने के लिए दिया हुआ है। बात करते हैं इसके मिरर की, तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर ऑटोमेटिक भी दिया जा सकता था, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में, इस प्राइस बजट में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। ऊपर इसकी माइक की प्लेसमेंट है यहाँ पे बिल्कुल ड्राइवर के ऊपर, सामने वैनिटी मिरर है ड्राइवर साइड भी, और को पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। यही सब कुछ था इसके फ्रंट के बारे में। चलते हैं इसके बैक में और बताते हैं इसका रियर सिटिंग कम्फर्ट। चलिए फटाफट से चलते हैं पीछे। बात करते हैं इसके रियर डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है यहाँ पे पूरे में इसमें। यहाँ पे विंडो का कंट्रोल,
थोड़ा सा स्पेस बंद करने के लिए गेट को, नीचे बोतल होल्डर का स्पेस आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। हाफ लीटर की बोतल इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाएगी। और इसके अंदर बैठते हैं, आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अब आप खुद इसका लेग रूम देख सकते हैं कितना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा स्पेस इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। और पूरी की पूरी पीछे बैठने के बाद इसमें सिडैन वाली फीलिंग आती है, आपको कहीं से कहीं तक ये फील नहीं होता कि आप एक हैचबैक के अंदर बैठे हैं। इसका जो सीटिंग पोस्चर है, इसका जो पोजीशन है, अंडर थाई सपोर्ट जो है इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं आई डोंट थिंक सो कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी अदर कंपनी आपको इस तरह की सीट्स पीछे की ऑफर कर रही होगी, या फिर इस तरह की गाड़ी आपको जो है वो ऑफर कर रही होगी। ये था इसका रियर सिटिंग कंफर्ट, तीन बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं। बीच में आपको दिया हुआ है आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स, और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करवा देगा ये चीज कि आपको अगर पीछे दो लोग भी बैठे हैं और लॉन्ग राइड्स पे उनको जाना है तो ये जो है आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बदल के रख देने वाली है ये गाड़ी। पीछे आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। मैं खुद एक टाटा यूजर हूं तो मुझे लगता नहीं है कि पीछे के एसी वेंट्स की भी इस गाड़ी में जरूरत है, क्योंकि आगे के एसी वेंट्स काफी अच्छे हैं, वो उनकी कूलिंग जो है वो इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाती है। लेकिन बीच में यहाँ पे एक आर्म रेस्ट दिया जा सकता था जरूर से, लेकिन वो नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको एक और पावर सॉकेट मिल जाता है जो आप लगा के पीछे वाले पैसेंजर्स उससे अपने मोबाइल से या फिर कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। बीच में आपको हैंड ब्रेक दिया हुआ है, और कुछ यहां से ऐसा दिखता है इस गाड़ी का इंटीरियर, दिखने में इस सेगमेंट की गाड़ी को जस्टिफाई जरूर करता है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऊपर जो लाइट आपको दी हुई है वो भी आपको एलईडी दी हुई है, सोच के देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो टाटा है वो भी अब एलईडी सेटअप तैयार करने लग रही है खुद के लिए। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस में, दिखाते हैं इसका बूट स्पेस कितना है, कितना ज्यादा स्पेस आपको मिलता है। चलिए, इसके नीचे रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया हुआ है। जब आप देखेंगे इसके बूट स्पेस का एरिया तो काफी अच्छा बूट स्पेस ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। हाँ, थोड़ी सी ये जो चीजें हैं ये टाटा को कवर कर देनी चाहिए थी, थोड़ा सा ओल्ड लुक यहाँ पे जरूर मिल जाता है इन सब चीजों की वजह से, लेकिन आप ये चीज शोरूम में जाके कवर बिल्कुल करवा सकते हैं और ये बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई वायरिंग वगैरह एज सच कुछ भी है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, भाई काफी बड़ा स्पेस है, काफी ज्यादा स्पेस है, दिखने में बहुत ज्यादा है, और भाई नंबर्स भी ये बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट्स लगा के दी हुई हैं जिससे कि आपको कोई भी सामान रखने में, निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका जो बूट है वो बिल्कुल एक सेडान कार वाला ही है, और बहुत ही ज्यादा भी है, आपका अच्छा खासा लगेज इसके अंदर बहुत ही आराम से फिट हो जाने वाला है। ठीक है, करते हैं इसको बंद। यही सब कुछ था इस टाटा टिगोर के बारे में। एज सच अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई छोटी मोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी आपको कंफ्यूजन है इस गाड़ी के बारे में या फिर किसी भी कार के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इट देयर। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप कोई भी अपना सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको हर एक सवाल का जो है वो जवाब ज़रूर दूंगा। यही सब कुछ था इस टाटा टिगोर के बारे में। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। भाई ये 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन के साथ आता है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है 113 एनएम का, बहुत ही ज़्यादा है इस प्राइस सेगमेंट में, और इस तरह की गाड़ी के लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार है, वैल्यू फॉर मनी में इस प्रोडक्ट को कहना चाहूँगा, टाटा का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये गाड़ी। यही सब कुछ था इस टाटा टिगोर के बारे में। आप मुझे ज़रूर से कोई भी आपके सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय टिगोर।